नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, हम फिलहाल हैं जयपुर में और अभी हमारी जो कैंपर वैन है उसका कुछ मॉडिफिकेशन का काम चल रहा है। यहाँ पर एक और कैंपर वैन आई थी कुछ मॉडिफिकेशन के लिए, इतनी सुंदर कैंपर वैन थी। और दूसरा सबसे अच्छी बात थी कि ये अवेलेबल थी रेंट के लिए, मतलब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होने और आप इसको हायर कर सकते हैं। सो मुझे लगा इस कैंपर वैन को आपको भी दिखाना चाहिए। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा शतांशु भाई का, जिनकी ये कैंपर वैन है और जो इसको रेंट के लिए देते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्लॉग में। दोस्तों, इस कैंपर वैन में लगभग वो सभी चीजें हैं जो आपको ट्रैवल के वक्त एक मोटर होम में चाहिए होती है, जैसे कि आपको चाहिए होता है वाटर, जैसे कि आपको चाहिए होता है इलेक्ट्रिसिटी बैकअप, जैसे कि आपको चाहिए होता है वॉशरूम, जैसे कि आपको चाहिए होता है एसी, जैसे कि आपको चाहिए होता है एक मास्टर बेडरूम, और जो जो आप सोच सकते हैं वो लगभग सभी चीजें इस कैंपर वैन में। तो चलिए एक एक करके इस कैंपर वैन का लेते हैं एक वैन टूर और आपको बताते हैं कि किस प्राइस में ये सभी सुविधाएं आप हायर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एंटर कर रहे हैं इस बेहद खूबसूरत कैंपर वैन में। शतांशु भाई हमें बताने वाले हैं, सर कहां से शुरू करें, यहीं से शुरू करें। देखिए एंटर करने के बाद, अभी ये बेसिकली एक स्टडी टेबल है। ओके, बट हम अब इसको यहाँ पर इसीलिए लाए रेनोवेशन के लिए, यहाँ पर एक मिरर के साथ वी वांट टू मेक इट लाइक अ सैलून ड्रेसिंग टेबल। ओके ओके ओके, बिकॉज़ फीमेल्स एंड एवरीबॉडी दे वांट टू चेंज, दे वांट अ मिरर इन द बस एंड ऑफ द डे, सो करेक्ट स्पेसिफिकेशन। करेक्ट, तो यहाँ पर एक ड्रेसिंग टेबल का मिरर आ जाएगा बेसिकली, और यहाँ पर एक सैलून चेयर आ जाएगी। क्या बात है, ये हम आ गए देखिए इसके अंदर, और ये इसका इंटीरियर है। तो फोर अभी मुझे दिख रही है, चार सीट्स इस पे। अब यहाँ पर हम इनको रिमूव करके वी विल गोना पुट थ्री बिग रिक्लाइनर्स, द टॉप थिएटर्स। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सो बहुत ही अच्छी जगह यहाँ पे। रिक्लाइनर तो मुझे लगता है सोते हुए जाया जा सकता है फिर तो इसके अंदर। प्रॉपर रिक्लाइनर्स हैं विद ब्लैंकेट एंड एवरीथिंग विल गोना कम। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो ऊपर शेल्व्स हैं इसमें कुछ स्टोरेज के लिए स्पेस है? नॉट फॉर स्टोरेज, दिस इज। अच्छा, ये एसी के, शायद इसके एसी के वेंट्स हैं। मुझे इसके पीछे ये जो उसका ना सबसे अच्छा जो मुझे लग रहा है ना दोस्तों, क्या होता है कैंपर वैन बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाती है, पर यहाँ पर देखिए ये कितना अच्छा मूविंग स्पेस है। ये पूरा यहां से लेकर यहां तक हम देखें, एक बार इधर ले जाके दिखाता हूं। ये देखिए, इधर ओम जी आ गए हमारे जिनकी वर्कशॉप में आई है। सो ये देखिए कितना अच्छा मूविंग स्पेस है यहां पर, एंड दिस इज परफेक्ट। मुझे लगता है शतांशु भाई यहाँ पर भी एक अच्छी टेबल आ सकती है, जो एलईडी। ओके ओके ओके, यहाँ पर एक एलईडी आ जाएगी और फिर इस तरीके से चलते हुए इस पूरी कैंपर वैन में एक अच्छा आनंद लिया जा सकेगा। कुछ बता रहे हैं ओम जी? कुछ ये लुक दिखा दे। ये देखिए लाइट्स भी हैं ऊपर, डिस्को लाइट्स इन्होंने लगा रखी है। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर अभी आपको ये जो दो बंक बेड्स दिखाई दे रहे हैं, आई थिंक ये सेटअप चेंज होके यहाँ पर पेंट्री आएगी। ये दोनों बंक बेड अभी रिमूव होने वाले हैं और इसके यहाँ पर आने वाली है पेंट्री, यानी कि आप अपना भोजन खुद भी बना सकते हैं, जो कि एक कैंपर वैन मतलब एक वैन लाइफ में बहुत ही जरूरी होता है। ये सामने लगा हुआ है स्प्लिट एसी, ये चलता कैसे सर? ओके, पर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द जनरेटर। अच्छा, इसमें आपने जनरेटर रखा हुआ है। बस इज मूविंग, दीज एसीज विल वर्क, एंड व्हेन द बस इज ऑन होल्ड यू कैन स्विच ऑन दीज एसीज। जब बस चल रही है तो बस का एसी ऑब्वियसली काम करेगा ही, और जब स्टेशन मोड पे है तो फिर इसके आगे चलते हैं। देखिए वॉशरूम एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, सो एक बहुत ही स्पेशियस 4x3 मतलब 4x3 का एक अच्छा स्पेशियस, ये देखिए पूरा वॉशरूम है जिसमें एक एग्जॉस्ट भी लगा है। ये वही मरीन सीट है जो एयरक्राफ्ट और मरीन बोट्स में इस्तेमाल होती है, जो मैं बताता भी हूँ कि ये 12V DC से चलती है। इधर वॉश बेसिन है इसमें, मतलब एक कंप्लीट टॉयलेट, मुझे लगता है इसमें शावर भी लिया जा सकता है। हाँ 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 हाँ, इसमें अच्छी खासी जगह है, ये देखिए कितनी बढ़िया जगह है। सो बहुत ही अच्छा शावर तो बहुत ही आराम से इसमें लिया जा सकता है। अब चल रहे हैं हम द मोस्ट एक्साइटिंग प्लेस ऑफ दिस कैंपर वैन, हियर वी गो। क्या बात है, अरे यहां पर तो ना बाहर की आवाज का भी सारा वो, मतलब साउंड प्रूफिंग भी इसमें अच्छी है। और ये देखिए ये है इसका मास्टर बेडरूम, और इसमें भी मैं उस साइड आता हूं तो आपको एक बार बताता हूं। ये देखिए इधर से आते हैं तो ये इसमें एक स्प्लिट एसी लगा हुआ है, एंड दिस इज द मास्टर बेडरूम। सुबह सुबह उठें और ये कर्टेन खोलें, क्या ओम जी
आनंद रहेगा। देखिए ऐसे सुबह सुबह उठा जाए और कर्टेंस खोले जाए सो आपको बाहर का पूरा व्यू मिलेगा, उधर का भी, ये पीछे भी। आप जब ये देखिए ये कर्टेंस हटाएंगे ये शायद खुल जाती होगी, नहीं खुलती, ये पैक्ड है, बट दोनों साइड का इसमें व्यू मिलेगा, अमेजिंग। बट इमेजिन कि आप एक कैंपर वैन में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और इस प्रकार से आपको एक इतना अच्छा बेडरूम पूरा मिलता है। ये आपके टच पैनल्स हैं सब जगह, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मोबाइल चार्जिंग। ओके ओके ओके, सो दिस इज द मास्टर बेडरूम। इसका सर साइज क्या है? इसका है 6x5। ये 6x5 का एक पूरा बेड है। तो चलिए अब बात करते हैं बहुत ही प्रिसाइजली इस कैंपर वैन के उन फीचर्स की जो कि वैन लाइफ या कैंपिंग करने के लिए बहुत जरूरी होती है। सबसे पहली चीज, सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि हमें इसके अंदर स्पेस कितना मिल रहा है। सो स्पेस मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है, 7.5x20 फिट, मतलब अगर आप मास्टर बेडरूम तक जाते हैं तो लगभग 20 फिट का इसके अंदर इन टू इन स्पेस है, जो कि बहुत ज्यादा है। मतलब एक टेम्पो ट्रैवलर का ऑलमोस्ट दो टेम्पो ट्रैवलर हो गए। सो स्पेस बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए दे आर प्रोवाइडिंग अ जनरेटर एंड इन्वर्टर एज वेल। जनरेटर और जनरेटर के साथ इन्वर्टर कनेक्टेड है, तो आपके ये जो पीछे आपको स्प्लिट एसी दिखाई दे रहे हैं, जो आपको बेडरूम में भी स्प्लिट एसी दिखाई दे रहा है, जब ये गाड़ी स्टेशन होगी तो जनरेटर से ये सभी चीजें वर्किंग होगी। इसके अतिरिक्त वॉशरूम है, तो वॉशरूम के लिए चाहिए होगा हमें पानी, तो पानी के लिए सर इसमें 3 टंकियां हैं जो ऊपर 3 टंकियां हैं। अब देखिए क्या होता है जी, बड़ा तो बड़ा ही होता है, मतलब हम तो एक की सोचते हैं, इसमें 3-3 वाटर टैंक है। सो आई थिंक एम्पल ऑफ वाटर, मतलब पर्याप्त, इजीली पर्याप्त पानी है। व्हेनेवर टू वाटर टैंक्स आर एम्प्टी देन वी अगेन रिफिल, सो वन इज ऑलवेज देयर फॉर द बैकअप। वन इज ऑल, मतलब एक रिजर्व टैंक है, 2 वाटर टैंक है, सो इस प्रकार से 3 इसके अंदर टैंक्स है। और उसके अलावा पेंट्री, आपने जैसा कि देखा ओम जी की वर्कशॉप में आई है, तो पेंट्री इसमें बनने वाली है। आपने देखा कि इसमें एक पूरा ड्रेसिंग सेटअप पूरा इसके अंदर तैयार होने वाला है। ये अभी मैं जिन रिक्लाइनर्स पे बैठा हूँ, ये एक कंप्लीट थिएटर रिक्लाइनर्स होंगे, थिएटर रिक्लाइनर्स होंगे, ब्लैंकेट्स एंड एवरीथिंग एंड अ स्क्रीन, सो इट्स सॉर्ट ऑफ गोना मेक यू अ मिनी थिएटर ओनली। मिनी थिएटर, क्या बात है। और ये एलईडी किस साइज की लगाने वाले? एलईडी विल बी 58 or 72। Oh my God. You have to decide how much space. 58 इंच की एलईडी एक कैंपर वैन में लगने वाली है, सो एक अच्छा फील तो खैर आने ही वाला है। और कितने लोग सर इसमें अकोमोडेट हो सकते हैं? अकोमोडेट फॉर लाइक इफ यू जस्ट वांट टू पार्टी और समथिंग देन 10, एंड इफ यू वांट टू स्टे देन 3 पीपल इन द मास्टर बेडरूम कैन स्लीप एंड 3 ऑन द कॉउचेस, सो 6 to 7 पीपल कैन स्लीप। 6 से 7 लोग इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, और 6 से 7 लोग ही इसमें मतलब ट्रैवल भी कर सकते हैं और सो भी सकते हैं। पर अगर आपको सिर्फ ट्रैवल करना है या नाइट आउट के लिए इसको लेके जाना है, so you can exceed up to 10 to 12 people, so बहुत अच्छा है। और ये बनी हुई है भारत बेंज के चेचेस पे, so भारत बेंज एक बहुत ही अच्छी बसेस उसकी आती है, उसके चेचेस पे ये बनी है, so I hope suspension वगैरह इसका बहुत ही परफेक्ट होने वाला है। so ये सब चीजें आपको मिलने वाली हैं। अब है सबसे महत्वपूर्ण बात कि भाई पैसे कितने देने पड़ेंगे इस प्रकार की लग्जरी को हमारे लिए, मतलब अगर हम रेंट आउट इसको करते हैं तो क्या सर, क्या टैरिफ है इसका और कैसे होगा? वेरी बिटवीन 20 to 25,000 per day। 20 से 25,000 के बीच में आप इसको हायर कर सकते हैं। मैं इनका नंबर दे रहा हूँ, नीचे भी आ रहा है डिस्प्ले में, सो आप इनको कॉल कर सकते हैं और इस कैंपर वैन को आप हायर कर सकते हैं। ये यहाँ पर आई थी इत्तेफाकन, ये तो मैं मतलब इत्तेफाक ही है, क्योंकि आज हमारी गाड़ी का काम पूरा होने वाला है, सो आज हम चले जाते हैं और एक अच्छा संयोग था कि हमें ये गाड़ी दिखी। और मैं कोशिश करता हूँ, मतलब कैंपर वैन से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी चीज जो मेरी जानकारी में आती है वो मैं प्रयास करता हूँ कि मैं आपको भी दिखाऊं। अच्छी चीजें हैं, मतलब इसका प्रचार प्रसार होना भी अच्छा है, और इसी प्रकार से भारत में जो कैंपिंग कल्चर है, कैंपर वैन कल्चर है, वैन लाइफ कल्चर है, वो डेवलप होगा। दूसरी जो प्रमुख बात मैं आप सभी को बोलता हूं कि अगर आप कोई कैंपर वैन बनवाना चाहते हैं, उससे पहले आप किसी ना किसी कैंपर वैन को रेंट आउट करिए। आप ये देखिए कि आप कितना कंफर्ट महसूस करते हैं एक कैंपर वैन में 3 या 4 दिन बिताने के बाद। अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं, तो निश्चित तौर पे फिर आपको अपने लिए कैंपर वैन बनवा लेनी चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शन विच आर अवेलेबल इन इंडिया, और आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, मैंने पहले भी आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिखाए जो 3 या 4 लोग उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर एक बड़ी फैमिली है या एक ग्रुप ऑफ पीपल है, सो इस प्रकार की कैंपर वैन उसके लिए परफेक्ट है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छी कैंपर वैन हमने भी देखी।
आपको भी दिखाने का प्रयास किया और आई होप कि आपसे रोड पे कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर मुलाकात होगी। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, शीघ्र मिलेंगे। नमस्कार।